मेरा नाम मनुसूद है, मैं शिमला टूर ऑपरेटर यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस वारी जो सीज़न है ये 15 दिसंबर के बाद आपको शिमला में रश देखने को मिल जाएगा, और 20 के बाद ऑलमोस्ट शिमला और आसपास के जो होटल अगर हम देखा जाए तो एडवांस बुकिंग 50% तक तो हो चुकी है, और उम्मीद है कि क्रिसमस और 31 को 100% ऑक्यूपेंसी शिमला में रहेगी। हाँ, 50% अभी तक जो बड़े होटल्स हैं उनमें तो मतलब 50-60% हो चुकी है, लेकिन जो नॉर्मल होटल्स है, B&Bs वगैरह है, उनमें भी आपका 30-40% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर देखिए, अगर वाइट क्रिसमस जाती है तो नेचुरली की जो है ये सीज़न लंबा जाएगा, मतलब कम से कम जो हमारा ये जो सीज़न अपना 2 या 3 जनवरी को जो सिमट जाता है ये 15 जनवरी तक निकल जाएगा, और अभी वैसे देखा जाए तो फरवरी तक की बुकिंग्स वगैरह हुई है, क्योंकि इस साल काफ़ी शादियां हुई हैं तो हनीमून कपल्स की भी इस टाइम पे ये सबसे हॉट डेस्टिनेशन है, कश्मीर के बाद सेकंड नंबर पे हिमाचल, तो हनीमून की भी बहुत इंक्वायरी है और फैमिलीज़ वगैरह की भी काफ़ी इंक्वायरीज हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके पास आ रही है, और साथ के साथ एडवांस बुकिंग्स भी हो रही है इसके अंदर। बड़े होटल्स उनमें तो हर साल की तरह डाइन एंड डांस वगैरह का प्रोग्राम रहता है क्रिसमस के टाइम पे, लेकिन इस दफ़ा कई होटल्स वगैरह ने जैसे कस्टमर के लिए स्पेशली बॉनफायर, बारबेक्यू वगैरह और म्यूज़िक वगैरह इन सब का अपने मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं जो 2 दिन का स्टे कर रहा है, और हम ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने भी हमने एक डिसाइड किया है कि इसको अट्रैक्ट करने के लिए कि जो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं उनको हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं इसके अंदर। वीकेंड था ये तो बहुत अच्छा गया, मतलब इसमें 60-70% ऑक्यूपेंसी शिमला सिटी के अंदर हो गई थी, और आउटस्कर्ट्स में भी 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन अगर ये वही सब मौसम के ऊपर है, क्योंकि अभी जैसे मौसम ख़राब था, थोड़ी बहुत मतलब हल्की सी स्नो हाई पीक्स वगैरह में पड़ी थी जैसे नारकंडा के हाटू वगैरह में, तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए थे उसकी, उससे तो शिमला में इतना रश नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ऊपर नारकंडा चायल वगैरह में काफ़ी रश था, काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी थी। तो इस बारी भी हमें उम्मीद है कि अगर ये अच्छा रहेगा मौसम, मतलब बर्फ़ वगैरह पड़ जाएगी तो मतलब ये 100% ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, 20 से लेके 10 जनवरी के बीच में अच्छी ऑक्यूपेंसी रहेगी इसके अंदर।